धमतरी नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान को महज कुछ ही दिन शेष रह गया है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए कई तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। कई जगहों पर शराब बांटे जाने की भी खबरें सामने आ रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पत्र जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है पत्रवाहक को 5 पेटी गोवा देने का कष्ट करें। इस पत्र में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सील लगा हुआ है, साथ ही इसमें एक मोबाइल नंबर भी दर्ज है। इस वायरल पत्र में सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी जानना चाहते हैं कि यह पत्र कहां से वायरल हुआ है। इस पत्र को लेकर पूर्व मंत्री एवं वर्तमान कुरुदू विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुरुद के शराब को दुकानों में यह पर्ची चल रही है। उन्होंने इसे ट्वीट करते लिखे हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में यही आलम चल रहा है, यह पर्ची धमतरी क्षेत्र में चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि शराबबंदी वाली सरकार क्या शराब पर्ची पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने जो व्यवस्था लागू की है उससे निष्पक्ष चुनाव असंभव है। सरकार असहाय है जो शराब के आधार पर चुनाव जीतने का सपना देख रही है। साथ ही विधायक ने कहा कि चुनाव निर्वाचन आयोग को इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। इस पर्ची को लेकर पार्टी की ओर से शिकायत कर जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।